कान्हा, मेरी बेटी के तन के घाव तो आपकी कृपा से भर रहे हैं, परंतु उसके मन के घाव क्या वो नहीं भरेंगे प्रभु? मेरी बेटी तो आपकी इतनी बड़ी भक्त है, उसके मन से हर प्रकार का भय दूर कर दीजिए मेरे प्रभु। आप ही ने उसे दुल्हन बनाया, अब आप ही उसके मन में एक नई दुल्हन की अभिलाषाएं उत्पन्न कर दीजिए कान्हा। दया कीजिए माधव। इसे गोबर की रात कहते हैं ना जी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन पहली बार साथ में होते दुल्हन के घर पे, मैंने ऐसा सुना है कि दूल्हे को इस कमरे में आने के लिए बहुत सारी बातें माननी होती हैं। तो आज की ये रात तुम पर उधार रही, जब ठीक हो जाओगी ना तो इस कोबर की रात वाली बात मुझसे मनवा लेना। वैशाली, आरती की थाली वगैरह ले लेना। और ये बिरजू कहाँ है? सुबह से गायब है, सारे काम की लिस्ट उसके पास है। बाकी सब तैयार है ना? दादी माँ, जीजी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो तो कब से तैयार थी। तैयार तो मैं अब भी हूँ दीपिका, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँ। मृणालिनी, ऐसा क्यों कह रही हो? सब जाके क्या करेंगे, आई मीन विदाई तो होनी है। घर की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि छोटी बहू को विदा करवा के ले आ। और कोई जाए ना जाए, तुम्हें तो चलना ही होगा। माँ। हाँ? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? बिटिया, ये सवाल तू क्यों कर रही है? तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, जला हुआ शरीर कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। आज तो मैंने अपने घाव उनसे छुपा लिए, जब पत्नी बनकर मुझे अपने आप को उनके आगे समर्पण करना पड़ेगा, तब क्या होगा माँ? ठाकुर जी को तेरी भक्ति और देव बाबू के प्रेम के सामने झुकना ही होगा। अच्छा अम्मा, इन कपड़ों में से एक चुन के बता दीजिए तो मैं पहन लूं। अरे मूर्ख, राधिका की विदाई है, तू काहे खुश हो रही है? आज सिर्फ उसकी विदाई नहीं है। मतलब? अब मतलब कुछ नहीं, आप बस मुझे एक कपड़ा चुन के दे दीजिए। देख, ये तोरी घुमाए फिराए की बातें मोर समझ से परे है। अपनी अम्मा को बुद्धू बनाना तो को आवत है, मस्करी कर रही है ना मुझसे? नहीं अम्मा, इस बार मैं कोई मस्करी नहीं कर रही। अतिथि को ज्ञात होगा कि आज मेरी बेटी की विदाई के पश्चात विवाह समारोह संपन्न हो जाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि उसने अपने प्रस्थान की व्यवस्थाएं कर ली होंगी। मैं जानती हूं बाबूजी कि आज शादी पूरी हो जाएगी, मैंने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस विदाई के बाद मैं भी विदा हो जाऊंगी।